हरियाणा विधानसभा की टिकट के लिए उम्मीदवारों में भगदड़ मची हुई है, भागदौड़ का आलम देखा जा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के दावेदार दिल्ली की परिक्रमा लगा रहे हैं, यानी कि बीजेपी ऑफिस, बीजेपी हेडक्वार्टर्स और कांग्रेस हेडक्वार्टर्स के चक्कर लगाए जा रहे हैं, जिससे कि किसी भी हालत में टिकट इंश्योर कर सके। बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर को लेकर भी जानकारी ये सामने आ रही है कि उन्होंने टिकट मांगने से इनकार कर दिया है। दिल्ली की दौड़, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मनीष ग्रोवर का टिकट मांगने से इनकार। बोले, आज तक पार्टी हाईकमान से टिकट नहीं मांगी। लगातार 5 बार रोहतक विधानसभा से मैदान में उतरा, मैं टिकट मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाऊंगा। पार्टी मेरी माँ है, जो आदेश देगी मानूंगा। अब अगर 5 बार ही सीट से उतारे जा चुके हैं और ऐसे में ये बयान सामने आना, जाहिर तौर पर बहुत कुछ कह रहा है। मनीष ग्रोवर हैं, पूर्व मंत्री हरियाणा के, उनसे रूबरू कराते हैं। मनीष जी, टिकट तो सभी नेता मांगते हैं और देखो दावेदार बहुत सारे होते हैं, लेकिन अपनी दावेदारी रखनी पड़ती है। आप दावेदारी क्यों नहीं रख रहे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम है। सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं के बल से काम करती है। इसलिए मैं विशेष तौर से पार्टी का धन्यवाद करता हूँ कि मैं 1971 की जनसंघर्ष यात्रा से निकला हुआ आज 2024 में एक ही विचार, एक ही पार्टी, उसी में सेवा कर रहा हूँ। ये पार्टी का आदेश होता है कि किसको क्या जिम्मेवारी देनी। पार्टी मुझे जो जिम्मेवारी देगी मैं वो काम करूँगा। मैं कभी भी कोई जिम्मेवारी मांगता नहीं हूँ। पार्टी मुझे काम से, मेरे निष्ठा से मुझे सेवा करने का मौका देती है और मुझे धन्यवाद करता हूँ। संगठन ने मुझे 5 बार चुनाव लड़ा उस स्थिति में जहाँ कि यहाँ कांग्रेस का गढ़ है, जहाँ कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद भी मैं यहाँ से, पार्टी ने मुझे लड़ाया। कभी 35,000 वोट आए, कभी 50,000 आए, कभी 60,000 आए, कभी 40,000 आए, कभी 30,000 आए। इस मात्रा में वोट रहे हैं मेरे। हार जीत जिंदगी का एक खेल है, चलता रहेगा, परंतु संगठन के लिए मैं इस इलाके में पार्टी को बढ़ाने का काम करता हूँ। पार्टी आगे मेरी बढ़े, ये मन में एक संकल्प एजेंडा रहता है। अच्छा, आजकल तो ऐसा दौर है कि दावेदारी लगातार होती रहती है, बहुत सारे लोग पैरवी भी कराते हैं। आपकी पैरवी करने वाला कौन है? आप ये बोल रहे हैं कि भाई मैं टिकट नहीं मांगता, पार्टी कर देती है। मेरी दावेदारी मेरा पार्टी है, मेरे पार्टी से बड़ा कोई मेरी माँ नहीं हो सकती जिसके लिए मैं काम करता हूँ। माँ का जिस पे आशीर्वाद हो तो फिर भी मांगे तो माँ तो अपने आप देती। तो यहाँ से भी तो बहुत सारे नेता कर रहे हैं दावेदारी। अच्छी बात, अधिकार है सबका। अच्छी बात है, लोकतंत्र में एक व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र में सबका हक है कार्यकर्ताओं का मांगना। अच्छी है, मांगे। जिसको पार्टी टिकट देगी उसके रात दिन रात करके उसको जिता के बिताऊंगा। जैसे डॉक्टर अरविंद शर्मा को 2019 में जिताया, जैसे मनमोहन गोल मेयर को जिताया, संगठन का विस्तार आगे बढ़ाया, ऐसे मेरा एक एजेंडा है कि पार्टी को बढ़ाना, मैंने अपने आप को नहीं बढ़ाना, पार्टी के विचार को आगे बढ़ाना, ये मेरा एक एजेंडा है। मतलब मनीष ग्रोवर इस बार भी टिकट के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे। ऐसे नेता बहुत कम मिलते हैं जो खुद के लिए पैरवी करने के लिए हाईकमान के पास ना जाए। हालांकि दिल्ली की सड़कों पर आजकल हरियाणा नंबर की गाड़ियां आपको चलती हुई नजर आ जाएंगी, लेकिन रोहतक के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर जो 5 बार यहां से विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, इनका कहना है कि मैं टिकट मांगने के लिए नहीं जाऊंगा, पार्टी जो निर्णय करेगी, जो आशीर्वाद देगी, जो जिम्मेदारी लगाएगी उसको निभाने के लिए तत्पर हूँ। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ धीरेन्द्र चौधरी, न्यूज 18 रोहतक। और इस बुलेटिन में फिलहाल